चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं कल से, और थोड़ा सा एक फिगर और बना देता हूं। जैसा कि आप जानते हो, एग्जैक्ट रंग नहीं आया, लेकिन मान लो ये भगवा है, क्योंकि अभी किसका शासन है, उधर भाजपा का शासन है, और भाजपा भगवा रंग का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करती है राजनीति के लिए, है ना। सारी राजनीतिक राजनीति ही मेरे हिसाब से, पता है तुमको, मक्कारी है, 420 है, झूठ है, पूरा यही है राजनीति में। अभी धीरे धीरे तुम बहुत सारी मक्कारियाँ जानोगे, मैं पढ़ाता जाऊँगा तो तुमको एप्लीकेशन मालूम चलता जाएगा। कि ये बोलते क्या है, बोलते क्या है और होता क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक, अब बिल्कुल इसी तरह की स्थिति यहां भी होगी। चलो, ये जानते हो आप, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये है राज्य की मंत्रिपरिषद। चलिए, कल हमने देखा था एक स्टोरी, यहाँ पर एक सांसद थी, यहाँ से एक सांसद थी लोकसभा से, कौन कौन थी, लड़की भाई, यहाँ से एक सांसद थी लड़की भाई, और यहाँ से एक मंत्री थी रजकी भाई। ये लड़की भाई छत्तीसगढ़ से दोनों सहेली सांसद बन गए हैं। लड़की भाई कहाँ से, लोकसभा से सांसद है, और राज्यसभा से एक सांसद हैं जिनका नाम है रजकी भाई। कोई बात नहीं, भावनाओं को समझ लो, रजकी भाई, ठीक। बस दोनों में अंतर यह है कि जो लड़की भाई है वो है प्लेन, और जो रजकी भाई है वो है मसाला, है ना। ये प्लेन सांसद हैं, मतलब केवल सांसद हैं, और ये राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इन्हें मंत्री पद भी मिला हुआ है, बस डिफरेंस ये है, ठीक। अच्छा, फिर मैंने अगर काकर बिटिया रीस लड़की भाई के ना, का नाम रीस, लड़की भाई के एक ठन बेटी रीस, का नाम टेटकी है, टेटकी। अच्छा, लड़की भाई के एक जन बिटिया कौन, टेटकी भाई, ठीक। अच्छा, टेटकी भाई के विवाह काकर से लगी, गधा प्रसाद से लगा इसका विवाह, ठीक। अच्छा, अब फिर हुआ ये कि लड़की भाई जो है, विवाह हुआ लड़की भाई के, टेटकी भाई का विवाह लगा, बिहाव लगी काकर संग, गधा प्रसाद संग, दोनों जन सहेली है। लड़की भाई रजकी भाई ने फोन लगाई, जे यार तोर भतीजी ना, हाँ बेटी, तोर बेटी के बिहाव लगे है गधा प्रसाद संग, तहूँ लाना। बोले आओ यार, कैसे नहीं आऊँ, तोर बेटी मोर बेटी। दोनों पहुँच गए फ्लाइट लेके, विवाह संपन्न हुआ। रजकी भाई चूंकि मंत्री है, तो उन्होंने इस विवाह के लिए एक बढ़िया वाला विदेशी महंगा वाला शैंपेन मंगाया हुआ था कि बिहाव उहाव ख़त्म हो जाए तो छत पे बढ़िया हमन दोनों सहेली जवानी के दिन याद करबो, जैसे कॉलेज में मारत रहे वैसे फिर मारबो, है ना। चखना उखना नहीं लाया हूँ, क्योंकि चखना के कोनो कमी नहीं हुई, तब बिहाव में तो बनावे, ठीक। ये हुआ, बारात पहुँची, गधा प्रसाद जो है गधे की तरह नाचते हुए पहुँचे द्वार पर, और गधा प्रसाद के बाप कौन आए, भैंसा राम। गधा प्रसाद के बाप कौन, भैंसा राम। भैंसा राम थोड़े चालाक निकल गए, भैंसा राम द्वार पे पहुँचे और उन्होंने बोल दिया कि ये अब्बड़ माल छापे है, ठीक है। थोड़ा लालच बढ़ गया, उसने बोला कि 25 करोड़ रुपया कैश देबे तो बिहाव हो ही, नहीं तो बारात लेके वापस जाता हूँ, ठीक है। लड़की भाई और रजकी भाई अब्बड़ गुस्सा इस, लेकिन
का करे, समाज हमर समाज ऐसे है। आज भी पुरुष चाहे जितनी विवाह कर ले वहाँ समाज नहीं बोलता, लेकिन लड़की का अगर एक बारात आज से आकर चली जाए तो समाज जो है वही समाज, और उसमें भी खासकर महिला समाज ही ये बातें उठाएगा और इस प्रकार से लड़की की बदनामी होगी सामाजिक रूप से। तो इसका ये बात लड़की भाई भी अच्छी तरह से जानती थी, तो इसने दबे मन से उस 25 करोड़ की राशि मतलब दहेज देने को ये राजी तो हो गई, लेकिन मन कुंठा से भर गया, एक चिंता से भर गया कि मेरी लड़की टेटकी ऐसे घर में जा रही है जहाँ पर जो लालची है, पता नहीं कैसे राखी, कैसे होई, परेशान कर ही, ये सब दुनिया भर के सवाल इन दोनों सहेलियों के मन में आ गया। चलो जैसे तैसे विवाह संपन्न हुआ, सामाजिक दबाव के चलते ही सही, लेकिन ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। महिलाएं जो हैं इतनी अपने आप को, उनको इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि सामाजिक दबाव उन पर पड़े और वो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत गलत है और लड़ना, गलत के लिए लड़ना आना चाहिए, ठीक है। और यही गलत के लिए लड़ना पुरुषों को भी आना चाहिए। अरे दुनिया में चलता रहता है, होता रहता है, ये सोच कर यदि चलोगे ना तो जीवन में जो है तुम हमेशा शोषित होते रहोगे, हमेशा शोषित होगी, ठीक है। पुरुष भी शोषित होता रहेगा और महिला भी शोषित, महिला तो बेचारी बहुत, महिला जाति जो है वो बहुत पहले से शोषित होती आई, ऐसे चूतिए लोग भरे थे हमारे समाज में, सती प्रथा है, अमानवीय प्रथा, सती प्रथा भी चालू थी। अरे पति मर गया तो तू जी के क्या करेगी, जला दो साथ में, मतलब कौन सी बुद्धि लगाई गई थी, मेरे को तो समझ से परे है मेरे है। मतलब साला तुम जीवित किस जीवित औरत को भांग का नशा, दो नशा दे देते थे उसको, और उसके बाद चिता पे बैठा देते थे, बांध देते थे, ये करते थे। पति मर गया तो अरे ऐसा क्या, क्यों भाई, सुने हो कभी सती प्रथा, बहुत ऐसी ऐसी प्रथाएं, दहेज प्रथा भी तो उनमें से ही एक है भाई। कोई अपनी लड़की, एक लड़की अपना घर बार छोड़ के किसी पराए घर में जाएगी, है ना, उसकी जिम्मेदारी ये होगी पराए घर में, मतलब अपना घर छोड़ छाड़ के किसी नए घर में जाना जहाँ बहुत सारी शंकाएं होंगी, बहुत सारे डर होंगे कि नया घर कैसा होगा, कैसा ट्रीटमेंट होगा, कैसे मैं रहूँगी, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें। वो जाएगी, आगे चल के तुम्हारा वंश बढ़ाएगी, तुम्हारा घर संभालेगी, घर का काम काज करेगी, और सालों तुम वापसी से दहेज भी मांगो, उल्टा नहीं लगता, सालों दहेज तो तुमको देना चाहिए, तुम अपने घर में तुम्हारे कोई आ रही है केयर टेकर भी तो बोलोगे, उसकी जिम्मेदारी यही सब होती, सास ससुर पति फिर बच्चा ये सबका देखभाल करना, तो भाई दहेज तो तुमको देना चाहिए। सालों ने उल्टा प्रथा बनाया है, मतलब महिलाओं को शोषण का कोई हिसाब किताब नहीं है, ओ शुरुआत से चलता आ रहा है। चलो पुरुष भी शोषित होते हैं, मैं बताता हूँ, आजकल हो गया है ऐसा, मैं तुम्हारे विषय में भी बात करूँगा, मैं खुद शोषित रहा हूँ है ना, बात करूँगा, मैं बात बराबर की करता हूँ, है ना, किसी एक तरफ बात नहीं करूँगा। चलो आओ, जैसा तैसा हुआ, शादी हो गई, दोनों सहेली ऊपर पहुँचे, दुखी थे, बोतल पहले खुशी में खोलने वाले थे, अब दुख में खोला है, ठीक है। अच्छा पिए, पीते पाते जो है दोनों बात कर रहे हैं कि बने नहीं हो इस, अच्छा ये उस समय की घटना को इसको कल्पना करो कि उस समय दहेज को रोकने के लिए संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था, कल्पना करो ये उस समय की बात। दोनों में बातचीत हुई, रजकी बाई बोली हमला कुछ करना चाहिए, क्यों, क्योंकि कानून बनाने वाले तंत्र में हम लोग शामिल हैं, संसद में हम लोग शामिल हैं, और संसद में कानून बनाने की शुरुआत संसद का ही कोई सदस्य कर सकता है, हम दोनों ओकर अंग हैं। तो बोली तो रजकी बोली तो टूरी के साथ होए लड़की के शुरुआत करे शुभ काम के, दहेज रोके पर हमला कानून बनाना है, क्या करीस लड़की भाई है, लड़की भाई एक ठन पेपर पकड़ीस, ठीक, नाम रहेगा लड़की भाई का, हालांकि सब करते हैं IAS जो वहाँ सचिवालय में बैठे होते हैं, ये उनका काम होता है, लेकिन नाम है, नाम होगा नेता का ही, ठीक है। लड़की भाई ने एक मसौदा बनाया और इसमें सारी चीज़ें लिख दी,
इसमें सारी चीज़ें लिख दी। अब ये जो लिख दी हैं तो मतलब इसको आप ऐसा समझो कि मसौदा रूपरेखा बनाएंगे, कभी कुछ करना होगा तो मसौदा। हाँ भैया, कि दहेज देने वाला भी अपराधी होगा, 10 वर्ष का कारावास होगा, दहेज लेने वाला भी अपराधी होगा, उसको 5 वर्ष का कारावास होगा। दहेज को रोकने के लिए हर देश भर में, हर जिले में एक स्पेशल महिला सेल होना चाहिए। दुनिया भर का जो उन्होंने सोचा कि विधि बनानी है वो लिख दिया, लिख दिया तो एक शीर्षक भी होगा, तो शीर्षक दे दिया इसका, दहेज निषेध, दहेज निषेध। अच्छा, इस चरण पे, इस चरण पे ये जो पेपर है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विधेयक या बिल ही कहलाएगा। ठीक, लिख दिया इन्होंने इस चरण पे ये विधेयक या बिल है। चलो लड़की भाई ने समझ जाओ, वही यहाँ पर ये आ गया दहेज निषेध, शीर्षक है इसका, लेकिन इस चरण पे आप इसे क्या समझेंगे? ये विधेयक है। क्या है? विधेयक, यानी कि बिल। विधायक नहीं है ना, विधायक यहाँ के सदस्य होते हैं, ये क्या है? विधेयक। अच्छा, अब देखिए, जो विधेयक होता है, जो विधेयक होता है वो होता है दो प्रकार का। पहले आपको समझना है, ये विधेयक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक शासकीय विधेयक, या इसे ही हम कहेंगे सरकारी विधेयक, एक गैर शासकीय विधेयक, या इसे ही हम कहेंगे गैर शासकीय। हाँ, ये शासकीय विधेयक। ठीक, समझ गए। अच्छा, अब कोई विधेयक यदि आप जानते हो संसद में सभी सांसद हैं, लेकिन कुछ लोगों को मंत्री का पद मिला होता है, अगर वो विधेयक मंत्री लेकर आएगा तो क्या कहलाएगा? सरकारी या शासकीय विधेयक। और यदि कोई विधेयक केवल सांसद जो कि मंत्री नहीं है क्या कहलाएगा? अशासकीय या गैर सरकारी विधेयक। इसी तरह से अगर सदस्य की बात भी की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई मंत्री को हम शासकीय सदस्य बोल देंगे, और जो मंत्री नहीं है केवल सदस्य है उसे हम कह देंगे। ठीक, हाँ। अब ये स्थिति है। अब यहाँ पर विधेयक तो ये मूलतः दो हो गए कि कौन ला रहा है संसद में। अब मैं देख तो और विधेयक के प्रकार बताता हूँ, विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यही विधेयक आपको कुछ रूपों में दिखाई देंगे। जैसे सामान्य विधेयक, विधेयक का एक प्रकार होता है सामान्य विधेयक। एक आप सुनोगे धन विधेयक, एक आप सुनोगे वित्त विधेयक, है ना, एक और सुनोगे संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ संविधान संशोधन विधेयक, और एक और एप्रोप्रिएशन बिल, ऐसा आप सुनोगे, लेकिन वो अभी काम की चीज़ नहीं है। सामान्य विधेयक, तो सबसे पहले कोई विधेयक आएगा तो उसको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? भाई पहले बताओ कि वो शासकीय विधेयक है कि अशासकीय विधेयक है, वो जान गए हम। अब उसके बाद वो विधेयक जो है वो इनमें से कौन सी श्रेणी का विधेयक है? सामान्य विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, या संविधान संशोधन विधेयक है? ये चालू हुआ है क्या? हुआ ना, हाँ, संविधान संशोधन विधेयक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इन सारे विधेयकों की जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी भिन्न भिन्न होती है ना, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि पहले तो भाई ये हम ये जान गए कौन ला रहा है, ये लड़की भाई ला रही है, तो किस प्रकार का विधेयक है, शासकीय की गैर शासकीय? अशासकीय है ये, मतलब गैर सरकारी। चलो भाई ये तो समझ गए हम। अब उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, संसद का दूसरा काम क्या होगा? ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो विधेयक है ये किस श्रेणी का है, सामान्य है, धन का है, वित्त का है, या संविधान संशोधन विधेयक। तो ये जो विधेयक है वास्तव में ये है किस श्रेणी का विधेयक? सामान्य विधेयक है।
और सामान्य विधेयक की कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। अब देखो ये कौन सी श्रेणी का विधेयक हो गया, ये सामान्य विधेयक हो गया। सामान्य विधेयक का जो रास्ता होगा, तय करने का रास्ता होगा, विधेयक से विधि बनने का रास्ता है ना, संसद ही विधि बनाती है। तो अभी हमें रास्ता देखना होगा, संसद ये विधेयक किस प्रकार से विधि यानी कि कानून यानी कि अधिनियम में परिवर्तित होगा, ये जानना है हमें। तो इसका रास्ता कुछ ऐसा होता है, सामान्य विधेयक। दो बातें यहां इसके लिए, कुछ बातें जो है हमें पता होना चाहिए और वहां से प्रश्न भी बनता है ना। सामान्य विधेयक ये जो है इसका रास्ता कुछ ऐसा होगा, ये देखा हमने संसद के तीनों अंग, ठीक। तो इसका जो रास्ता होगा सामान्य विधेयक का, ये विधेयक है, मान लो ये सामान्य विधेयक है कोई, ठीक। और ये क्या है, संसद के तीनों अंग ये हैं। इसका रास्ता होगा पहले ये सदनों में जाएगा, सदन में जाएगा। पहले कहाँ जाएगा, सदन में जाएगा, और ये दोनों सदनों से जब गुजर जाएगा तब ये पहुँचेगा अंतिम रूप से, ये इसकी प्रक्रिया है। यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी होगी। ये जो सामान्य विधेयक है, आप हमने मैंने कहा कि संसद के पहले सदनों से होकर गुजरेगा, दो सदन है संसद के, और दोनों से जब ये जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब ये पहुंचेगा किसके पास, राष्ट्रपति महोदय के पास। ये लोकसभा है मान लो, ये राज्यसभा है, और ये कौन है, राष्ट्रपति महोदय। ये तो ये सामान्य विधेयक का ऐसा है कि इसकी यही प्रक्रिया होगी। कुछ विधेयक ऐसे होंगे पहले राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे, पूर्वानुमति मिलेगी तब संसद के दोनों सदनों में आएंगे, तो ऐसे अलग अलग होता है। सामान्य विधेयक अभी हम समझने के लिए किसे पकड़ के चल रहे हैं, सामान्य विधेयक। और सामान्य विधेयक पहले संसद के दोनों सदनों से गुजरेगा, उसके बाद राष्ट्रपति के महोदय के पास पहुंचेगा। लेकिन यहां हमारे पास एक सवाल खड़ा हो जाता है, पहले दोनों सदनों से गुजरेगा, दोनों सदन तो अलग अलग हैं, एक सवाल हमेशा खड़ा हो जाएगा, पहले कौन सा सदन है ना। ये सवाल हमेशा खड़ा होगा कि भाई आप सर, आपने तो कह दिया कि संसद के पहले दोनों सदनों से गुजरेगा, जब पूर्ण हो जाएगा प्रक्रिया तब वो राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा। लेकिन सवाल तो हमेशा खड़ा हो जाएगा, पहले कौन, पहले लोकसभा में जाएगा कि पहले राज्यसभा में जाएगा। तो सामान्य विधेयक के लिए जो एक बात आपको ध्यान रखनी वो ये है कि सामान्य विधेयक किसी भी सदन में शब्दों को ध्यान से सुनो जो फंसाएगा आपको, प्रस्तुत, पुरस्थापित, क्या पुरस्थापित या प्रख्यापित किया जा सकता है। क्या ध्यान रखना आपको सामान्य विधेयक के विषय में, कि सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत, प्रख्यापित या पुरस्थापित, ये शब्दों का इस्तेमाल करेगा, ऐसे घूम ना जाओ, इसलिए मैं पहले आया पहले ही एक ही मतलब। अब प्रस्तुत देखो, यूं तो सामान्य तौर पर प्रस्तुत का कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन संविधान में जिस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं वहाँ आपसे वो गलती ना हो इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। यहाँ आपको प्रस्तुत का अर्थ क्या समझना है कि सबसे पहले कौन से सदन में, प्रस्तुत का मतलब सबसे पहले कौन से सदन में। तो सामान्य विधेयक के लिए क्या प्रावधान है, वो तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है ना, मतलब सबसे पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कौन डिसाइड करेगा, जो विधेयक ला रहा है, कौन ला रहा है, लड़की भाई विधेयक ला रही है, ये डिसाइड करेगी, क्योंकि ये पूछे पता है कि ये सामान्य विधेयक है। और सामान्य विधेयक के लिए क्या है पहला प्रावधान, कि सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत, पुरस्थापित या प्रख्यापित किया जा सकता है, ठीक। इन्होंने बोला मैं तो लोकसभा की सदस्य हूँ, मैं तो सर, और मेरी पार्टी बीजेपी की सरकार है,
जानते हो बीजेपी के 380 सदस्य हैं, वो तो पास हो ही ना हो नहीं है ना आई सदस्य, बीजेपी थोड़ी अपने सदस्य का भी विधेयक उनके बीच में स्वीकृति होकर ही वो विधेयक ला रही है ना, ऐसे थोड़ी अपने मन से उठ गई है ले आई भाई, उनकी जो पार्टी है उनमें चर्चा हुई होगी साहब मैं एक विधेयक ला रही हूँ दहेज रोकने के लिए, क्या तो उन्होंने सहमति भरी होगी मंत्रिपरिषद की बैठक में, हाँ ठीक है नोनी बने करा था ले आ ले आई भाई। तो वो 380 543 लोकसभा यदि सदस्य हैं अभी, और उसमें मान लो चलो 300 भी भाजपा के सदस्य हैं जो उसकी मौजूदा सरकार है, तो जाहिर सी बात है मतदान किसको मिलेगा, वोट मिलेगा ना 300 नहीं तो 280 तो मिलेगा। अब देखो किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित होने के लिए एक बहुमत की आवश्यकता होती है, और बहुमत अलग अलग हो सकते हैं, चूंकि ये सामान्य विधेयक है ये विधेयक संसद के किसी सदन में किस प्रकार की बहुमत से पारित होगा, तो वो है सामान्य बहुमत। क्या है? सामान्य बहुमत। किस बहुमत से पारित होगा सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों में पृथक पृथक? सामान्य बहुमत। अब मुद्दा आपका आएगा कि सामान्य बहुमत होता क्या है, तो सामान्य बहुमत के किस तरह आप डिफाइन करोगे, ये जो है शब्द सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक। क्या समझ रहे हैं आपको सामान्य बहुमत से? सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक। समझा रहा हूं मैं इसको, हर्षा समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा हूं। देखो ये क्या है, मान लो ये लोकसभा है, ठीक, यह है लोकसभा। अब लोकसभा में आप मान लीजिए वर्तमान में आपको पता है कितने सदस्य ये पूरे हैं, ठीक। ये क्या बोल रहा है कि कोई विधेयक जब देखो मैं अभी यहाँ से प्रक्रिया से लेकर चलता हूँ, देखो हर सदन का एक मुखिया होता है, यहाँ पर लोकसभा का भी एक मुखिया होगा, ठीक। और ये क्या है, राज्यसभा, यहां भी एक मुखिया होगा। अब इधर देखो अब मैं कुछ बताने वाला हूँ, इसको भी ध्यान से सुनना। टेक्निकली जहाँ पे प्रश्न अच्छा बनता और खेल हो जाता है, लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। लोकसभा का जो मुखिया होगा, इस सदन का बाप, सीधा सामान्य भाषा में इस सदन का बाप, लेकिन संविधान की भाषा में मैं आपसे कहूँगा कि मैं बात कर रहा हूँ सदन के भगवान की। आप लोग आस्तिक लोग हो, मानते हो, आपको पता है जैसे यहाँ संविधान सर्वोपरि, आप जो आस्तिक होते हैं उनके लिए भगवान सर्वोपरि है ना। तो इस सदन का भगवान कौन, क्या कहलाता है, किस पद के नाम से जाना जाएगा? अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष या फिर स्पीकर, याद रखना। टेक्निकली वैसे आप तो सामान्य तौर पे आप सोचोगे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष बोल दिया काम चल गया, लेकिन ये सही नहीं है। टेक्निकली यहाँ का जो मुखिया होगा इसको बोलते हैं सभापति, या फिर क्या, चेयरमैन, या फिर चेयरमैन बोलेंगे। कोई महिला बैठी तो, कोई महिला अध्यक्षा हुई मुखिया नहीं, चेयरपर्सन, तब चेयरपर्सन, चेयरवुमन शब्द नहीं होता, चेयरपर्सन। अभी चेयरमैन बोलोगे, कोई महिला बैठी उसको मैन बोलोगे कैसा लगेगा,
तो मैन नहीं बोलने का। ऐसे समय में आप बोलो कि चेयर पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, पुरुष भी हो सकता है। एक और शोषण देखो, है ना, आपको जगह जगह ऐसा दिखाई देगा। पुरुष प्रधान समाज ने अपनी चीज़ें थोप दी है। हाँ भाई, अगर किसी जेंडर की बात नहीं हो रही तो वो पुल्लिंग ही होगा, आपको ये मानना है, है ना। किसी भी भाषा में आप यही देखोगे, अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, आपको यहाँ भी वही दिखाई देगा। अब बड़ा अति करे साले में। हाँ इधर देखो, हाँ हाँ पगली वहाँ चली गई, ये सब तो डिटेल में पढ़ेंगे। मैं तो अभी जहाँ भूमिका में हूँ वहाँ रहो। अभी मैं इसके बारे में बात करने लगूंगा ना तो एक घंटा इसके बारे में बात कर सकता हूँ मैं, अभी लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में अभी नहीं, उसका वक्त अभी नहीं आया है ना। तो राज्यसभा का मुखिया का पद क्या कहलाएगा? सभापति, अंग्रेजी में हम बोल देंगे चेयरमैन। ये भी ध्यान रखो, कभी कोई पूछ सकता है अगर कोई महिला राज्य, अच्छा ये जो होती है यहाँ कौन होता है राज्यसभा की सभापति या चेयरमैन होता कौन है वास्तव में? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन, क्या पदेन, ये एक शब्द का इस्तेमाल होता है पदेन, पदेन सभापति होता है, मतलब समझे पदेन से है? हाँ एक बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो, बाय डिफॉल्ट जो भी भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा है ना, वो अपने उपराष्ट्रपति के पद से ही राज्यसभा का सभापति ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका मतलब यही है, मतलब इसके लिए राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होता है ना। किसका चुनाव होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। अब भारत का जो उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति भी होगा, इसीलिए किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम? पदेन सभापति, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका चुनाव होता है, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव होता है। अब मैं इसके बारे में यहाँ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर तुम लोग कुछ सवाल करोगे, फिर मैं इधर टहल जाऊँगा और वो मुख्य मुद्दा अभी छूट जाएगा। तो ये समझ गए ना कैसे हो ही? कोई भी विधेयक जाएगा संसद, सदन में जाएगा, सदन में जाएगा पहले किसके पास जाएगा? मुखिया के पास ही जाएगा ना, पहले मुखिया के पास जाएगा। संसद देखो, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का भगवान है और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का भगवान है। उस सदन के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, क्या रूल होगा, कैसे होगा, वो सब उसकी मर्जी के बिना नहीं होगा। ये बात अलग है कि आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा में साले ये नेता आपके टेबल चेयर कुर्सी गाली गलौज सब करते हैं, सब कर। ये इसका टाइमिंग कितना है? चालीस मिनट नहीं हुआ ना अभी ना, अभी है। चलो ये आएंगे, अब इनकी अनुमति से इस विधेयक पर प्रक्रिया बढ़ेगी। कोई विधेयक पहुंचा, लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे हाँ भाई हमार लोकसभा से सांसद लड़की भाई फलाना फलाना विधेयक प्रस्तुत किया उन्होंने, है ना। अब वो विधेयक क्या होगा, इस विधेयक पर पहले जो प्रक्रिया, नॉर्मल प्रक्रिया बता रहा हूँ, ये विधेयक मैंने तो एक पेज में दिखा दिया, ये बहुत लंबा हो सकता है दस्तावेज, है ना। अब ये इसमें एक मुख्य बात लिखी गई, इसके अंदर सब क्लॉज होगा, फिर एक मुख्य बात लिखी गई, फिर एक सब क्लॉज होगा, तो इस तरह से विधेयक बनता है। क्या होगा, अब एक एक अब बोलेंगे चलिए इस पर प्रक्रिया शुरू करते हैं। लोकसभा में प्रस्तुत हुआ तो लोकसभा पहले प्रक्रिया करेगा, पूरे सदन में लड़की भाई ये पूरा विधेयक का एक एक चीज़ पूरा पढ़ेगी डिटेल में और प्रत्येक क्लॉज पर डिस्कशन होगा। क्या होगा, लोकसभा के सदस्यों के बीच क्या होगा, डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद ऐसा वो बाद में देखोगे कि प्रत्येक क्लॉज पर वोटिंग भी हो सकती है, हाँ भाई इस क्लॉज में कोई दिक्कत, इस क्लॉज में संशोधन सुझा सकते हैं। अगर मान लो किसी ने बोला कि ये संशोधन होना चाहिए तो चलो भाई वो संशोधन पे उसमें मतदान हो गया। अगर सामान्य विधेयक है तो संशोधन कैसा होगा कि भाई सामान्य बहुमत से पारित हो जाए, अभी मैं समझा दूंगा सामान्य बहुमत क्या होता है,
पारित हो गया तो वो संशोधन हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा फाइनल बिल पे पूरा क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल डिस्कशन होगा और डिस्कशन के बाद वहाँ कोई संशोधन भी सुझा सकते हैं उसी बीच में, तो इस विधेयक में संशोधन भी किया जा सकता है। हो गया बिल, अब अंत हो गया पूरा बिल का, ये काम हो गया। अब लोकसभा स्पीकर क्या बोलेंगे, उनको पता है ये सामान्य श्रेणी का विधेयक है और सामान्य श्रेणी के लिए क्या है, सामान्य बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक, ना कितने हैं यहाँ सदस्य, जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने एक दिनांक तय करेंगे, अब भाई इस विधेयक पर लोकसभा निर्णय लेगी, ये विधेयक लोकसभा पास करेगा कि नहीं करेगा, फलाना तारीख निश्चित कर देंगे, सबको सारे सांसद सबको सदस्यों को नोटिस चला जाएगा, भाई फलाना समय में इस विधेयक पर क्या होना है, निर्णय होना है, मतलब मतदान होना है, निर्णय होगा। लेकिन क्या जरूरी है उस दिन 543 पूरे सदस्य आए, नहीं ये तो ज़रूरी नहीं है। पता चला कि कितने सदस्य उस दिन फलाना दिन को कितने सदस्य उपस्थित थे, 543 एब्सेंट, उसमें सामान्य बहुमत में मैंने क्या लिखा है, पहले सबसे पहले तो ये वाला शब्द आ गया उपस्थित, उपस्थित कितने हैं, अब ये इससे हमारा मतलब नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले मतलब क्या हुआ कि हमारा मतलब है पहले उपस्थित देखेंगे, जो अनुपस्थित उससे कोई मतलब नहीं है सामान्य बहुमत में, इसका अर्थ यही हुआ। अच्छा और क्या बोला, मतदान का 50% से अधिक बोला ना, अब हमें ये देखना है कि कितने लोगों ने मतदान किया। पता चला कि इसमें से 50 लोगों ने बोला ना तो हम लड़की भाई के पक्ष में मतदान करेंगे और ना ही 50% ज़्यादा हो गए, 50 लोगों ने मतदान ही नहीं किया, इनका विवेक मतदान नहीं किया, हम मतदान नहीं करते यार, लड़की ना तो पक्ष में करेंगे ना तो विपक्ष में करेंगे इस विधेयक के। तो अब वास्तव में फाइनली मतदान कितने लोगों ने किया, 450। अंतिम शब्द देखना, मतदान का इसका 50% से अधिक होना चाहिए, से अधिक, समझे, हाँ। सामान्य विधेयक होगा तो सामान्य विधेयक को सदन में पारित होने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है, सामान्य बहुमत, और सामान्य बहुमत को कैसे डिफाइन करोगे, सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक, हाँ ये है होगा, ये इसकी परिभाषा होगी। तो इससे कोई मतलब नहीं है जब हम सामान्य बहुमत की बात करेंगे उस सदन की कुल सदस्य संख्या क्या है, कोई मतलब नहीं, नज़रअंदाज करना है उसको। फिर क्या दिया ध्यान देना है, उपस्थित कितने लोग हैं उस दिन जिस दिन निर्णय लेना है विधेयक पर, उपस्थित तो एब्सेंट से भी नज़रअंदाज करना है, कितने एब्सेंट है उससे भी मतलब नहीं हमारा, कितने उपस्थित हैं वो देखना है। फिर उसके बाद कितनों ने मतदान नहीं किया इससे भी मतलब नहीं हमारा, जितनों ने मतदान किया है उतने मतदान में से 50% से अधिक होना चाहिए, मतलब इस विधेयक को लोकसभा में पास माना जाएगा, स्वीकृत माना जाएगा या पारित माना जाएगा उसके लिए कम से कम कितने लोग इसके पक्ष में मतदान करने चाहिए, 450 का कितना हुआ, आधा, 225, 226 कम से कम होना चाहिए, 225 में तो ड्रॉ हो जाएगा, 226 अगर 226 लोगों ने उस विधेयक के पक्ष में मतदान कर दिया तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये विधेयक लोकसभा ने स्वीकृत कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पारित, उल्टा भी तो हो सकता है, 226 लोगों ने विपक्ष में मतदान कर दिया तो पारित नहीं होगा, मतलब वो विधेयक उसे उस विधेयक को लोकसभा की स्वीकृति नहीं मिली, वो वहीं खत्म हो जाएगा विधेयक, कानून नहीं बन पाएगा। विधि बनने की प्रक्रिया में फिर क्या होगा, अगर उल्टा हो गया तो 50% से अधिक लोगों ने उसे उसके विपक्ष में मतदान कर दिया है, मतलब वो विधेयक वहीं पर समाप्त, विधि नहीं बन पाए, आगे कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं समाप्त, ठीक। हम मानते हैं ये विधेयक अच्छा है, इसे कम से कम 226 लोगों की स्वीकृति मिल गई है, मतलब ये पारित माना जाएगा,
सामान्य बहुमत से पारित हो गया मान लो ये विधेयक। उसी सत्र में नहीं, एक वर्ष वही लड़की बाईस सेम विधेयक एक वर्ष बाद ला सकेगी, उस तब तक नहीं ला पाएगी। हाँ, कोई और दूसरे रूप में वो सेम विधेयक नहीं आएगा, दूसरे रूप में विधेयक ला सकता है। आइए, ये विधेयक कहाँ गया? यहाँ गया। और हम मान लेते हैं सामान्य विधेयक, सामान्य बहुमत से ये पारित हो गया। अब देखिए, हर विधेयक की अलग अलग प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। अब आप कहीं ये भी सोच सकते हैं कि भाई लोकसभा में, लोकसभा के पास सामान्य श्रेणी के विधेयक पर क्या क्या शक्तियां हैं, ये भी सवाल आ सकता है ना, कि लोकसभा उस विधेयक पर क्या क्या कर सकता है। अब देखो, सब बारीकियां हम ध्यान से पढ़ेंगे। अभी क्या हुआ, पहले लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुँचा, उनकी अनुमति के बाद पटल पर रखा गया, पूरे डिस्कशन हुआ है ना, उसके बाद एक दिनांक निर्णित किया गया कि इस दिन हम इस विधेयक पर निर्णय लेंगे। अब उस दिन क्या क्या कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष महोदय, है ना, बैठे हैं और उनको पता है कि सामान्य श्रेणी का विधेयक, उनको पता है कि सामान्य श्रेणी का विधेयक है, भगवान है वो, सदन के डिसाइड कर सकते हैं। उनको बोलता है यार ये सामान्य विधेयक है, भाजपा के इतने सांसद हैं लोकसभा में, सदस्य हैं, ये तो आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं ना। वो बोलेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, हाँ भाई कितने लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं, बोलिए हाँ हाँ आवाज आएगा, हाँ बड़ा आवाज आई, बोलो ना कितने लोग विपक्ष में, बोलो ना ना कम आवाज है, मतलब हाँ वाले ज़्यादा हैं, ध्वनि मत से ये विधेयक लोकसभा पारित करती, घोषणा कर सकते हैं। ध्वनि मत मतलब वोटिंग वोटिंग नहीं कराया, ऐसे ही ध्वनि मत से, उसी को ध्वनि मत सुने हो कभी कभी, ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, ये यही होता है, हाँ है ना, ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, सुनोगे आप नहीं तो अभी आप ध्यान दोगे, वो यही होता है। लेकिन ये तब तक वैलिड है, तब तक वैध है जब तक कोई चैलेंज नहीं कर देता, कोई उठा वहाँ से, लड़की भाई भाजपा की है ना, कोई सपा का कांग्रेस का भी सांसद होगा, उठा बोला नहीं मुझे आपत्ति है, मुझे लगता है ना बोलने वालों की आवाज़ ज़्यादा थी, अब उसने आपत्ति जता दी, अब आपत्ति जता दी, चलो भाई अपने अपने वोटिंग पैड निकालिए, आजकल वही है सबके पास इलेक्ट्रॉनिक पैड होता है, पक्ष में ये बटन दबाओ, विपक्ष में ये बटन दबाओ, सामने स्क्रीन पे मेरे पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, किस किस ने पक्ष में दिया, किस किस ने विपक्ष में दिया, फैसला हो जाएगा, सामने बड़ी सी स्क्रीन रहती है, उनको भी पता चल जाएगा, ठीक अब करवा दिया, चलो मतदान करो। उनको तो पता था ना यार, लड़की भाई भाजपा की सांसद है, भाजपा की स्वीकृति से विधेयक आ रहा है, सांसद उसके विपक्ष में थोड़ी करेंगे, है ना, कोई संघी होगा ही कर सकता है ना, क्यों, अगर संघी कोई भाजपा का सदस्य है, उसने लड़की बाई के विधेयक के विपक्ष में कर दिया, तो पार्टी कार्रवाई कर सकती है, भाजपा पार्टी कार्रवाई कर सकती है, तू मतलब साला हमारे दल को धोखा दे रहा है, एक साथ नहीं हमारी एक विचारधारा है, तो आप आगे चल के पढ़ोगे कि पार्टी किसी की सदस्यता भी खा सकती है, वो सांसद नहीं रह जाएगा, पता चल जाएगा यार, सारी व्यवस्थाएं सबके यूनिक आइडेंटिटी है, कौन पक्ष में कर रहा है कौन, पता नहीं चलेगा। हाँ भाई, कोई भी गतिविधि एक पार्टी कर रही है, यहाँ पे गलत सही का नहीं, ऐसे तो चोर सभी हैं साले, बात ये हो गई कि भाई हम एक दल हैं, हम सत्ता में हैं, हम ही में से दो लोग जो हमारे विरुद्ध बात करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा, अरे देखो एकरे दल के आदमी है विरोध कर रहे थे, विपक्षी दल को मौका मिल जाएगा ना टांग खींचने का, ये वाली बात हो गई, यहाँ वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये, यहाँ पे राजनीति में
एक पार्टी एक विचारधारा और एक रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर सारे सदस्य एक साथ हैं तभी तो वो सत्ता में बने रहेंगे, बहुमत में रहेंगे तभी तो बने रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, बिखराव हो गया तो सत्ता कुर्सी चली जाएगी। तो कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, जैसे एक होता है व्हिप, व्हिप सुने हो, व्हिप जारी किया, नहीं सुने हो ना, व्हिप एक राजनीतिक आदेश होता है। जैसे भाजपा, जैसे लड़की भाई विधेयक लाने वाली है तो भाजपा जो है अपने अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी कर देगी, एक राजनीतिक आदेश जारी करा दे भाई हमारे सांसद लड़की भाई, मतलब भाजपा की ओर से विधेयक आते तुम सबको प्रेजेंट रहना है और पक्ष में मतदान करना है, अगर किसी सदस्य ने किसी राजनीतिक आदेश का उल्लंघन कर दिया तो फिर पार्टी उसे निष्कासित भी कर सकती है, ये होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, डर उनको भी है ना, क्योंकि पार्टी उसकी वो सांसद की उसकी सदस्यता रद्द करवा सकती है, वो आप आगे देखोगे बाद में। ठीक, अब देखिए कर दो वोटिंग भाई, वोटिंग पैड में सबका आ जाता है किसने पक्ष में किया, वो सब रिकॉर्ड में आ जाता है, देखो भाई ये लो ये रिजल्ट तुम्हारे सामने है, सामान्य बहुमत इतने लोगों ने मतदान किया, 50% से अधिक होना चाहिए पक्ष में, ये पक्ष में है, पारित किया जाता है, घोषित, खत्म। पहुंचेगा कहाँ? अब देखो लोकसभा की, पहले तो ये देख लिया आपने लोकसभा में ये होगा, फिर आप क्या देखोगे कि लोकसभा को क्या किसी विधेयक पर संशोधन का अधिकार है, सामान्य विधेयक पर, हम सामान्य विधेयक की बात कर रहे हैं, हाँ लोकसभा उस विधेयक पर वहीं बहस के दौरान संशोधन भी कर सकती है, ये शक्ति भी है लोकसभा को। ठीक है, तो पहली शक्ति, सवाल, क्या लोकसभा को सामान्य विधेयक पर संशोधन का अधिकार है? हाँ है, हाँ है, अच्छा। अब एक दूसरी चीज ध्यान से सुनो कि लोकसभा में प्रस्तुत कर दी लड़की भाई ने, अब तो भाई प्रक्रिया को आगे तो लोकसभा अध्यक्ष ही बढ़ाएंगे। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष ने क्या किया, उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, वो कार्य आगे ही नहीं बढ़ाया उस विधेयक पर। एक तो क्या होगा यदि वह विधेयक प्रस्तुत होने की दिनांक से 6 माह तक निष्क्रिय पड़ा रहा लोकसभा में, कोई गतिविधि नहीं हुई, तो क्या होगा, एक सवाल ये भी है। तो इसको हम संवैधानिक भाषा में क्या कहेंगे कि लोकसभा किसी सामान्य विधेयक को कितने समय तक रोक कर रख सकता है, तो 6 माह, है ना, मतलब निष्क्रिय प्रस्तुत हुआ एक तारीख से और उसके बाद 6 माह तक कुछ भी हुआ ही नहीं उस पर, है ना, समझ रही हो, पक्का, कैसे कैसे नोनी तो नाक खजवा थे, अच्छा अच्छा। देखो अब अभी सामान्य विधेयक की ही चर्चा चल रही है, हम उसी की बात करेंगे। एक सवाल यदि आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि एक सामान्य विधेयक है, लोकसभा अधिकतम कितनी अवधि तक उसे रोक कर रख सकता है, रोक, अब इसको कैसे समझोगे आप, रोक कर रखने का अर्थ क्या हुआ, भाई फलाना तारीख को लड़की भाई ने वो विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया, उस दिन से उसकी गिनती शुरू हो गई, है ना, छः माह बोला मैंने अभी, 6 माह, अच्छा एक बात याद रखिएगा, संविधान की दृष्टि में 1 माह हमेशा 30 दिन होता है, ना तो वहाँ लीप ईयर होता है ना वही 31 होता है, क्या मानोगे आप, 1 माह बोला तो 30 दिन, मतलब उस दिन से 180 दिन के अंदर उसमें गतिविधि हो जानी चाहिए, कोई गतिविधि नहीं हुई, लोकसभा अध्यक्ष ने उसको आगे बढ़ाया नहीं, कोई गतिविधि हुई नहीं लोकसभा में, 6 माह बीत गए, तो क्या होगा सामान्य विधेयक, 6 माह कोई गतिविधि नहीं हुई तो क्या होगा उस सामान्य विधेयक का, ऑटोमेटिकली वो रद्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 6 माह के बाद वो विधेयक खत्म हो जाएगा, हम ये मान लिया जाएगा कि लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया। अब इसी को तो मैं बोल रहा हूँ, अब आपसे कोई पूछे कि किसी सामान्य विधेयक को लोकसभा अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकता है, 6 माह, दिन में बोलूं तो 180 दिन, कब से, प्रस्तुत होने की दिनांक से, क्लियर है, अब कैसे क्लियर है, तू न्यूट्रल कैसे हो गया बे, मतलब तेरे चेहरे के हाव भाव एकदम सीरियस वाले कैसे हो गए, हाँ यहाँ तक क्लियर है, कैसे तेरी गतिविधि, तू पहले थोड़ा
मुस्कुराता था, मुंह में अच्छा छाले ने रोक रखी है इसकी हंसी। ठीक, कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ लेते क्यों नहीं, दवाई सवाई ले। तुम लोग साला हमेशा गलत ही की दिशा की ओर क्यों जाते हैं। दवाई लो, स्ट्रेप्सिल लो, विटामिन बी कैप्सूल खाओ, सही हो जाएगा। ठीक, यस, 6 माह तक, ये क्लियर हो गया। चलो, बिल्कुल सामान्य विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के अधिकार बराबर है। क्या याद रखें, एक बार, दोनों सामान्य विधेयक के जब हम बात करेंगे तो संसद के दोनों सदनों के अधिकार एकदम बराबर, जो ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है। ठीक, तो मतलब सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों में संशोधित हो सकता है क्या? सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों में अधिकतम कितने अवधि तक रोका जा सकता है? 6 माह तक। यदि कोई गतिविधि नहीं हुई तो क्या होगा उस विधेयक का? ठीक, सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों में किस बहुमत से पारित होगा? सामान्य बहुमत से पारित होगा। ठीक, ओके, बिल्कुल वही, वहां भी वो ध्वनि मत से पारित कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। हम मानते हैं, अगर मान लो पहला यहाँ पारित हुआ, यहाँ पारित नहीं हुआ, तो क्या होगा? खत्म। संसद के इन ये 3 अंग हैं, जहाँ भी वो विधेयक पारित नहीं हुआ, स्वीकृत नहीं हुआ, वहीं से खत्म। लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ भी पारित हो गया, अब पहुँचेगा किसके पास? फाइनली राष्ट्रपति महोदय के पास पहुँचेगा, और राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक पर, संसद के किसी विधेयक पर जिन शक्तियों का प्रयोग करते हैं उसका वर्णन संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 111 कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक अंतिम स्वीकृति के लिए पहुँचेगा तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका उल्लेख संविधान में कहाँ है? अब देखते हैं, देखो राष्ट्रपति की भूमिका भी अलग अलग विधेयक पर अलग अलग शक्ति है। सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है, हम वो देखने वाले। पहला, या तो राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति दे देंगे, मतलब पास कर दिया। कैसे करेंगे? राष्ट्रपति महोदय तुरंत स्वीकृति दे देंगे, मतलब उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, और जैसे ही हस्ताक्षर किया वो जो विधेयक, यहाँ विधेयक था, यहाँ भी हम विधेयक बोल रहे थे, राष्ट्रपति महोदय के पास पहुँचा, यहाँ भी वो उसको हम विधेयक ही बोल रहे थे। राष्ट्रपति महोदय ने जैसे ही स्वीकृति दी, मतलब अपने हस्ताक्षर किए, ये विधेयक क्या बन गया? अधिनियम बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया सामान्य भाषा में? क्या और क्या बन गया? एक ही बात है सर, क्या बन गया? अब ये विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही क्या बन गया? अधिनियम बन गया, विधि बन गया, कानून बन गया, लॉ बन गया। ठीक, अब जो भी उसमें लिखा हुआ है वो देश पर लागू हो जाएगा। अब उसमें लिखा है कि दहेज देना एक अपराध है, मतलब अपराध हो जाएगा, और वो पकड़ा गया, सिद्ध हो गया तो 10 वर्ष की कारावास हो जाएगी। उसमें ये लिखा था, देखें लॉ कैसे बना, कानून कैसे बनता है, ऐसे बनते। देखो कुछ लोगों की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती, लालची हैं, लालची रहेंगे, सोचते हैं बच निकलेंगे। लड़की दहेज मांगेंगे, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि यदि मान लो लड़की ने दहेज के लिए या लड़के के बाप ने दहेज के लिए कुछ गतिविधि की तो हम समाज में बदनाम कर देंगे, उसकी लड़की शादी कौन करेगा? तो इस चीज़ को माँ बाप अपने अंदर ले कर चलते हैं कि भाई अगर हमने ऐसा किया तो समाज में बदनाम, वो लोग फैला देंगे समाज में, अरे देख यार ये ऐसे ऐसे करते हो, कर यहाँ मत जाबे, तो दहेज वहेज के बात कर बे तोला अंदर डलवा दी ले, उसके यहाँ कोई जाएगा नहीं, ये बात, ये स्थिति हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी है, ये जो मुद्दा है ना,
इस मुद्दे पर लोग अच्छी अच्छी भाषण दे सकते हैं, लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं सामने, लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें करेंगे, साला पीठ के पीछे जाके देखोगे तो वही बोलता है मेरा एक लड़का है इतना वसूलूंगा। मतलब इतने मुखौटे हैं कि आप सामने देखोगे ना, इन नेताओं को देखना, ये सब दोहरा चरित्र, मतलब सामने बोलेंगे दहेज कुप्रथा है, हमें इसे जड़ से मिटाना है। पता चला वो अपने ही लड़के की शादी में उधर बोल रहे 1 करोड़ देगा तभी शादी होगा। यही समाज है हमारा, दोगला समाज है ना। मैं इस बात को सिर्फ कहता नहीं, मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। जब मेरा विवाह होना था, एक तो पहले मैं मजनू बना रहा, बहुत समय तक विवाह ही नहीं किया मैंने, मैं त्याग दिया था कि मुझे विवाह नहीं करना। वो सब बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली, मैं जेल गया, मैंने बहुत कुछ सहा, मुझे कैसे फंसाया थाने में, कैसे खेल हुआ, कैसे एक फर्जी FIR के अंदर मुझे कल्प्रेट बनाया गया, कैसे पैसा अमीर लोगों का कैसे खेल चला, कैसे एक AIG का फ़ोन कॉल आया और थाने की पूरी प्रक्रिया बदल गई है ना। मैं किस तरह से कोर्ट पहुंचा, कोर्ट में मेरा बेल मुझे नहीं दिया गया, पूरी एक साजिश चलती है भ्रष्टाचार से, बेल नहीं दिया गया, मैं जेल पहुंच गया बिलासपुर, मुझे बेल बाद में मिला। तो किस तरह से मुझे पीछे ढकेलने के लिए कितनी साजिशें हुई, मैं हटा नहीं, मैंने उन सब की ऐसी की तैसी करके रखी जब मैं निकला जेल से, है ना। देखो और बॉलीवुड मूवी में क्या होता है, मैं जेल से निकल के अपने घर नहीं गया, मैं सीधे वहीं पहुंचा जहां से ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। फिर 3 साल मैंने उनको नरकी जीवन दिखाया है ना। चलो अब चोर पुलिस खेलते रहेंगे, अब खेलेंगे चोर पुलिस, देखता हूँ है ना। जिस TI ने फर्जी FIR की उसको मैं सोने नहीं देता था, जिस AIG के इशारे पर ये हुआ था उसको मैं सोने नहीं देता था, उसको रात रात में फ़ोन लगाता था, याद दिलाता था, याद रखना।